गोरखपुर शहर में टप्पेबाजी और छेड़खानी जैसी वारदातों को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें तेज तर्रार 25 महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। ये सादे कपड़ों में घूमते हुए संदिग्धों पर नजर रखेंगी। इन्हें आम लोगों के बीच ऑटो या फिर सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं किसी पर संदेह हुआ तो सीधे थाने पर संदेश करेंगी। इनके लोकेशन के करीब का जो भी थाना या पुलिस होगा उससे तत्काल पहुंचना होगा। ये पुलिसकर्मी ड्यूटी पर कितनी सक्रिय हैं इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दरअसल शहर में हाल के दिनों में ऑटो में बैठकर गहने चोरी करने के मामले सामने आए हैं। इसमें ज्यादातर मामलों में वारदात के थोड़ी देर बाद ही पीड़ित को जानकारी हो पाती है। दूसरे ऑटो से कोचिंग कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ भी अभद्रता की खबरें बढ़ी हैं। इसे देखते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने एक प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख क्षेत्रों गोरखनाथ, शाहपुर, कैंट, एम्स और राजघाट इलाकों में पुलिस को सादे कपड़ों में सक्रिय किया जाएगा। इसमें महिला पुलिस वालों को शामिल किया गया है ताकि उन पर कोई संदेह ना करे और वह आम लोगों को तरह ऑटो व सड़कों पर भ्रमण कर सके और साथ ही सुरक्षा देने के साथ ही संदिग्धों पर नजर रख सके। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों की टीम शहर क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगी। सोशल मीडिया पर इनका एक अलग ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें वे अपनी सूचनाओं और लोकेशन को साझा करेंगी। इससे वह थाने के साथ ही अफसरों की निगरानी में रहेंगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, ये सर्किल कैंट थाना गोरखनाथ और थाना शाहपुर, ये 6 थानों को मिलाकर यहाँ जो महिला उप निरीक्षक है उनको और जो महिला आरक्षी उनकी एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है जो सादे वस्त्रों में रहेंगी। जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके, जहाँ पर स्कूल में लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं को आना जाना रहता है, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड जहाँ से महिलाओं के द्वारा टप्पेबाजी की जाती है, ऐसे सभी जगहों पर इनको लगाया गया है और ये सादे वस्त्रों में रहेंगी और इनके बैकअप के लिए एक टीम अलग से रहेगी। इनकेस अगर कहीं भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए बैकअप टीम अलग से रहेगी। तो ये कार्रवाई चल रही है लगातार, उम्मीद है कि जल्दी इसके अच्छे परिणाम सामने आए। सभी थानों से 4-4 महिला उप निरीक्षक और महिला आरक्षी लगाई।